वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज साउथ, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डार्क कनेक्शन। दरअसल ये पहली बार है जब कर्नाटक क्रश रश्मिका मंदाना एक तेलुगु फिल्म पुष्पा में स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के साथ काम कर रही हैं, जिसे एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा कहा जाता है और इसे सुकुमार ने निर्देशित किया है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि अल्लू अर्जुन स्टारर एक्शन ड्रामा पुष्पा को बैक रोल करने वाली मैत्री मूवी मेकर्स ने इसे अगले साल मकर संक्रांति पर रिलीज करने का फैसला किया है। खबरों के अनुसार मास महाराजा रवि तेजा और श्रुति हासन स्टारर क्रैक को वितरित करने वाले निजाम वितर्क वारंगल श्रीनु ने अल्लू अर्जुन और सुकुमार पुष्पा के निजाम अधिकारों के लिए 40 करोड़ रुपए की पेशकश की है। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन की पिछली पेशकश, जो कि त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा निर्देशित आला बैकुंठपुर मूलू है, ने निजाम में 45 करोड़ की हिस्सेदारी जमा की है, जो इस क्षेत्र में गैर बाहुबली रिकॉर्ड है। एसएस राजमौली की मैग्नम ओपस बाहुबली 2 और ट्रिपल आर के बाद सुकुमार की पुष्पा तीसरी फिल्म है जो निजाम इलाके में 40 करोड़ रुपए का प्री रिलीज बिजनेस कर रही है। बताते चले कि पुष्पा को मूल रूप से तेलुगु में बनाया जा रहा है। इसे तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में पैन इंडिया रिलीज के लिए डब किया जाएगा। विजय सेतुपति, जो पहले इस बड़े बजट की फिल्म पुष्पा के लिए प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए ललायत थे, डेट क्लैश के कारण फिल्म से बाहर हो गए हैं और सूत्र बताते हैं कि निर्माताओं ने आर्य को इस फिल्म में शामिल किया है। वैसे आप लोग इस फिल्म को लेकर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।